अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं आदम जी कोचिंग सेंटर का फर्स्ट ईयर का जो उर्दू लाजमी का पेपर हुआ है उसकी MCQ सॉल्व करवाऊँगा आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे जवाब मिल सकें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तख्लीक है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन सा अदीब मिलिट्री अकेडमी काकुल में साइंस शोबे के सरबराह है? मेजर आफ्ताब। बाबुल के करीब तेल के चश्मे का जिक्र करता है हीरोडोटस। मतला गज़ल के पहले शहर को कहते हैं, ठीक है। तसव्वुफ़ का इमाम किस शहर को कहा जाता है? ख्वाजा मीर दर्द। खुदाए सुखन शहनशाह गज़ल किस शहर को कहा जाता है? मीर तकी मीर। जदीद उर्दू नसर का बानी मुसल्लह कौम किस को अदीब को कहा जाता है? सर सैयद अहमद ख़ान। सबक जबान गोया के मुसन्निफ़ है हाली। जजीरा जांटा के तेल के चश्मे में तेल मौजूद है, इसका आप लोग ढूंढिएगा। इसका जो था मैंने सर्च किया है तो मुझे नहीं मिल सका, आप लोग काफ़ी सर्च करके इसको मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये नीचे वाले का भी आपने सर्च करना है, अंग्रेज़ी सरकार ने मिर्ज़ा शहज़ोर की माहवार पेंशन मुकर्रर की। बेवफा का शहर किसकी अदबी तख्लीक है? मुनीर नियाज़ी। सैयद शौकत अली किस शायर का असल नाम है? साकी जावेद। माह तमाम किसकी कुलियात है? परवीन शाकर। बारवा खिलाड़ी मेहर दो नीम जहाँ अलूम उनके शायरी मजमूए हैं इफ्तखार आरिफ। तनकीद निगारी का बानी कहा जाता है हाली को। शाह के रिसाले का अव्वलीन मंजूम तर्जुमा फारसी में किसने किया? मौलवी हिदायतुल्ला। उर्दू ज़बान में शाह के कलाम के कितने तर्जुमे कितने साल से किए जा रहे हैं? 35 साल से। बाबा नूर अहमद नदीम कासमी का तहरीर करता है अफसाना। आब हयात का सिंधी से उर्दू में तर्जुमा किया नाहिद अख्तर। मक्ता गज़ल के किस शेर को कहते हैं आखिरी? हयात जावेद में किस अदीब का जिक्र है हाली? उन्हें शायर मशरक कहा जाता है इकबाल। लिसानुल असर इन्हें कहा जाता है अकबर आला आबादी। शामिल निसाब हम्द इनकी तहरीर करदा है माहिरुल कादरी। मिसेस एल्सा काजी शरीक हयाती आई काजी। नज़म चुप की दाद किस हेबत में है गज़ल? उर्दू का पहला फलसफी शायर इनको कहा जाता है इकबाल। इस्लाही और मुआशरती मौजूआत को पहली बार गज़ल का हिस्सा इस शायर ने बनाया नज़ीर अकबर आबादी। किस शायर के कलाम को अलहामी किताब कहा जाता है गालिब? उर्दू अदब का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है आगा हशर। शेर में किसी लफ्ज़ की ज़िद का इस्तेमाल इस्तलाहन कहलाता है सनअत तद्दाद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गलत इत्तला'आत फराहम की जिन ने। किस मुसन्निफ़ का असल नाम मोहम्मद उमर है? तो इसका जो है वो आपको सर्च के बताता किया जाता है। तो इनका आंसर तो भी नहीं मिल पा रहा है, बहरहाल आप इसका बुक में ढूंढिएगा। एक अनार वसत बीमार कवायद की रो से है मुहावरा। सादत मंदी ये कि हमेशा इसी तरह बेचते रहो दुआ। गुज़श्ता साल मुझे लंगड़ा आम भेजा था, इसका आपने ढूंढना है। मसूद अहमद की लाइब्रेरी देखी। मशरक़ी बंगाल में उर्दू किसकी तसनीफ है? इकबाल अजीम। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? चार। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 40 MCQs थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं।
इसी तरीके से ये इसका कंप्लीट पेपर है, वो भी आप एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड ये इसका कंप्लीट पेपर है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। इसको थोड़ा सा मैं आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।